वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज है 5 अप्रैल 2020 और 5 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फोन बूथ सैंपल सेंटर खोला है जिसके अंतर्गत कोरोना का टेस्ट सैंपल रोगी के घर पर जाकर लिया जा सकेगा। तो इसका सही जवाब है झारखंड सरकार ने। अब इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि ये जो टेस्ट सैंपल है ये रोगी के घर पे जाके लिया जा सकेगा और इसकी शुरुआत होगी झारखंड के चाईबास में। पहले क्या होता था, रोगियों को अस्पताल जाना होता था टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं करना होगा क्योंकि इससे जो है इसके और फैलने का खतरा बन जाता था, जिस कारण से ऐसा निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पे बात आई झारखंड की, तो झारखंड की कैपिटल कहाँ है, रांची। झारखंड का गठन कब हुआ है, 2000 ईस्वी में। झारखंड के गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन। तो झारखंड से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने जो मैंने आपको अभी बताए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के मद्देनज़र जारी लॉकडाउन के कारण आयकर विभाग ने व्यक्तिगत लोगों को चालू वर्ष के लिए 15G और 15H फॉर्म भरने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है। सबसे पहले तो ये 15G और 15H क्या है इसको जानेंगे। तो ये जो 15G है, यह एक प्रकार का ब्याज आय के स्रोत पर TDS से छूट के लिए भरे जाने वाले फॉर्म होते हैं और आयकर विभाग ने अभी अभी जो है इसकी अवधि बढ़ाकर अब कितनी कर दी है, 30 जून तक कर दी है। और इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी बात की आयकर विभाग की, तो आयकर विभाग के चेयरमैन कौन है, प्रमोद चंद्र। इसमें एक और शब्द आया TDS। TDS क्या होता है, TDS होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी अगर इसको हिंदी में बोला जाए स्रोत पर कर कटौती। और आयकर विभाग की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और आयकर विभाग की स्थापना कब हुई है, 1860 में। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नवंबर में होने वाले अंडर 17 वीमेन फीफा वर्ल्ड कप को COVID-19 की वजह से अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। इस वर्ल्ड कप का आयोजन कब होना था, COVID-19 की वजह से अंडर 19 वीमेन फीफा वर्ल्ड कप जो है वो अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। तो इस वर्ल्ड कप का आयोजन कब होना था ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है 2 से 21 नवंबर 2020 को, जो कि अब अनिश्चित काल के लिए टाला जा चुका है। तो इससे जुड़े हुए इसमें एक शब्द आया जैसे कि फीफा क्या है, तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। एक बार फिर, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है, ज्ञानी एनफेंटिनो। और फीफा की स्थापना कब हुई थी, 21 मई 1904 को। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस योजना के अंतर्गत COVID-19 से संक्रमित 50 करोड़ व्यक्तियों की जांच और इलाज मुफ्त में करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे योजना का नाम बताना है कि किस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ व्यक्तियों की जांच प्लस इलाज दोनों मुफ्त किया जाएगा।
ये घोषणा अभी अभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। तो इसका सही जवाब है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। अब इसमें हम कुछ बात जान लेते हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को, और इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य बीमा रिकवर करना, जिसके अंतर्गत सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाना है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। इंग्लिश में बोला जाए इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। तो ये खाद्यान्न जागरूकता है, खदान में काम करने वाले जो भी लेबरर होते हैं उनको जागरूक करना होता है। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे जगह पर लैंड माइंस का प्रयोग किया जाता है, खदानों में लैंड माइंस का प्रयोग किया जाता है, और इससे जो है बहुत सारे खतरे होते हैं लेबरर को, जिसके कारण कि एक स्पेशल डे 4 अप्रैल को मनाया जाता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रिकेट बोर्ड ने कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए 6 करोड़ 10 लाख के पैकेज की घोषणा की है। इसका सही जवाब है इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड। यहाँ पे 6 करोड़ 10 लाख पाउंड के पैकेज की घोषणा हुई है। इसको 2 किस्त में दिया जाना है। एक किस्त जो होगा वो 4 करोड़ पाउंड का तत्काल में दिया जाएगा, और उसके बाद जो 2 करोड़ 10 लाख पाउंड जो किस्त दिया जाएगा उस पर ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन वो मुफ्त ऋण के रूप में दिया जाएगा। तो कितने की घोषणा की गई है, 6 करोड़ 10 लाख पाउंड के पैकेज की घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है, क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। क्यों की गई है, कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए। अब यहाँ पे बात आई इंग्लैंड की, तो हम लोग इंग्लैंड के बारे में जानेंगे। इंग्लैंड की कैपिटल कहाँ है, लंदन। करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। इसके बाद आता है वेल्स की राजधानी कहाँ है, कार्डिफ। तो इतने क्वेश्चंस इंग्लैंड और वेल्स से बनते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हॉकी में दुनिया के 67 खिलाड़ियों में 100 से अधिक गोल करने वाले सूची में प्रथम स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान पर कौन है। तो 100 से अधिक गोल करने वाले की सूची में पहले स्थान पे कौन है वो बताना है। तो इसका सही जवाब है सोहेल अब्बास, जो कि पाकिस्तान के हैं, और इन्होंने कुल 346 गोल करने के साथ साथ ये 100 से अधिक गोल करने वाले की सूची में पहले स्थान पे आ गए हैं। और इस सूची में भारत के 4 पुरुष खिलाड़ी और 1 महिला खिलाड़ी को भी स्थान मिला है। इसके बाद अब बात आई पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कैपिटल कहाँ है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पीएम कौन है, इमरान खान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस क्रिकेट टीम के 34 वर्षीय बल्लेबाज डेनियल फ्लिंट ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है डेनियल फ्लिंट के बारे में, क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो डेनियल फ्लिंट किस क्रिकेट टीम से संबंध रखते हैं। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड।
इसका जो क्रिकेट करियर है वो 16 वर्ष का है और इन्होंने 24 टेस्ट, 20 वनडे और 5 T20 मैचों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया है। अब बात आई न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल कहाँ है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल कहाँ है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? जैसिंडा अर्डने। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स की वीकेंड पर ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की है? तो किस आईआईटी ने, यहाँ पे आपको आईआईटी का नाम बताना है, जिसने कि साइबर सिक्योरिटी कोर्स, ये एक प्रकार का कोर्स होता है, साइबर सिक्योरिटी कोर्स एक प्रकार का कोर्स होता है जिसे ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की है। इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। अच्छा, ये साइबर सिक्योरिटी कोर्स क्या है? तो साइबर सिक्योरिटी कोर्स जो है, इसका उद्देश्य होता है क्राइम को रोकने हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना। तो इस कोर्स के अंतर्गत साइबर क्राइम को रोकने के लिए आवश्यक जानकारी दी जाती है। इस कोर्स की अवधि 120 घंटे की होती है और इस कोर्स का नाम है सर्टिफाइड साइबर वॉरियर्स 3O, सर्टिफाइड साइबर वॉरियर्स 3O। अब बात आई आईआईटी मद्रास की, तो आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई है? 1959 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? पवन कुमार गोयनका। तो आईआईटी मद्रास और आईआईटी साइबर सिक्योरिटी कोर्स से इतने क्वेश्चंस बन सकते थे जो हमने अभी डिस्कस किए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोरोना महामारी संकट के बीच सभी गरीब महिलाओं को जनधन खाते में प्रतिमाह कितनी सहयोग राशि डालने की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है 500 रुपीज, यानी 500 रुपये, और ये 3 महीने तक डाले जाएंगे, 3 महीने के लिए डाले जाएंगे। अब उसके बाद बात आई इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना की। तो ये जनधन योजना क्या है? तो इस योजना के तहत क्या था कि जितने भी गरीब थे उनके जीरो बैलेंस पे खाता खुलवाए गए थे। तो इतने क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एस सी टी आई एम एस टी ने किस संस्था के साथ मिलकर ऑटोमेटेड वेंटिलेटर का निर्माण करने के लिए समझौता किया? सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म जानना आवश्यक है, SCTIMST। इसका फुल फॉर्म है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। एक बार फिर से, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसने जो है किस संस्था के साथ मिलकर ऑटोमेटेड वेंटिलेटर, एक शब्द यहाँ पे और आया ऑटोमेटेड वेंटिलेटर। ये वेंटिलेटर क्या होता है? ये मैन्युअली वर्क नहीं करता है, इसे डायरेक्ट कंप्यूटर से अटैच किया हुआ रहता है और एक प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम है ऑटोमेटेड वेंटिलेटर। तो इस प्रकार के वेंटिलेटर को निर्माण करने के लिए SCTIMST ने किसके साथ समझौता किया? इसका सही जवाब है विप्रो 3D के साथ। अब यहाँ पे बात आई विप्रो 3D की। तो विप्रो की स्थापना कब हुई है? 2012 में। और विप्रो के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अजय पारेख। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? 40 मिलियन अमेरिकी
डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है आर्मेनिया, इसका सही जवाब है आर्मेनिया। तो बात रही यहाँ पे रक्षा सौदे की, तो इस रक्षा सौदे में कौन सी बातें हैं जो कि प्रमुख है? तो इस रक्षा सौदा में भारत जो है आर्मेनिया को 4 स्वदेशी निर्मित रडार की आपूर्ति करेगा। कितने? 4 स्वदेशी निर्मित रडार की आपूर्ति करेगा। कौन किसको करेगा? भारत आर्मेनिया को करेगा। तो अब बात यहाँ पे आई आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया की कैपिटल कहाँ है? येरेवान। आर्मेनिया की कैपिटल येरेवान। और आर्मेनिया की करेंसी क्या है? आर्मेनियाई दरम, आर्मेनियाई दरम। कुल रक्षा समझौता कितने का है? 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। इसके बाद आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, तो निश्चित तौर पे आप इसका जवाब देंगे। आज का प्रश्न है, किसने कोविड-19 से बचने हेतु एक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट को विकसित किया है? एक बार फिर से, किसने कोविड-19 से बचने हेतु एक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट को विकसित किया है? आपके पास चार ऑप्शन है, इसरो, DRDO, विप्रो और नन ऑफ दीज। इनमें से आपको इसका सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना सुझाव अवश्य दें, और अगर अच्छा लगता है आपको वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।